वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को मैं दिखाना जा रहा हूँ आज नया DVR कैसे असेंबल करते हैं। ये है DVR का मेरा कवर ऊपर का, आप देख रहे हैं ये अलग अलग आता है। और ये है मेरी मशीन जिससे पेच कसते हैं, कसना है मुझे। और ये इसका पोर्ट 8 चैनल का DVR है जो मेरा, और इसको मैं असेंबल करके भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा, और इसमें रहा ये साटा केबल जिसमें हार्ड ड्राइव लगाते हैं। ये है इसका साटा केबल जिससे आगे DVR को लाइट देते हैं। तो आप सभी मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कैसे इसको असेंबल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे कैसे असेंबल किया जाता है DVR, न्यू DVR कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सेट किया। ये है इसकी पिन जिसमें VGA केबल लगाते हैं। VGA केबल का वो लगाना ज़रूरी होता है जिससे कि VGA केबल पीछे से लगाया जा सके। तो इसको मैं कर रहा हूँ असेंबल, इसको असेंबल करके छोड़ दिया। ये 4 चैनल से 8 चैनल का पोर्ट बनाया, 4 चैनल उसमें लगा होता, 4 चैनल अलग से लगाना पड़ता है। तो इसको लगा रहे हैं, इसको लगा करके छोड़ दिया, इसको लगाया। इसको लगाने के बाद हम कर रहे हैं सेटिंग। ये देखिए इसके अंदर मुझे लगाना है ताकि पोर्ट जो है DVR के उसमें BNC आसानी से लगाया जा सके। ये देखिए BNC के लिए ये पोर्ट निकल आए 8, और अब इसमें लगा देंगे पेच। इसमें पेच लगा देंगे और ये जाएगा रूफ, ताकि इसमें BNC के लिए जो बाहर निकल रहे हुए छोटे छोटे इसमें BNC लगती है। ये मैंने कस दिया इसमें पेच, और दूसरा पेच अभी फिर दिखाते हैं। 2 पेच लगा देते हैं इसमें, ये दूसरा पेच लगाने जा रहा हूँ इसका वो कसने के लिए। ये मेरा कस चुका है, इसको कसने के बाद अभी इसमें लगा देते हैं साटा जिससे कि DVR जब लाइन दें इसको DVR को, तो DVR में लाइन आगे दिखाई पड़ती है कि DVR ऑन हो गया कि नहीं हुआ, उसके लिए लगाना पड़ता है। और इसके आगे भी दिखाते हैं हम आपको DVR में हार्ड ड्राइव, उसके लगाने के लिए ऐसे खड़ा करके लगाना पड़ता है। ये देखिए पीछे मेरा 8 चैनल का DVR है, ये लग गया। ये देखिए ये इतना बन करके तैयार हो चुका है। अब इसमें लगा देंगे साटा केबल, साटा केबल जिससे कि हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, हार्ड डिस्क लगाने के लिए ये साटा लगाना पड़ता है दोनों। और कुछ DVR-ों में ये नहीं लगाना पड़ता है, ये डायरेक्ट उसमें, अब नए DVR जो आ रहे हैं उसमें भी ये डायरेक्ट आ रहा है किसी किसी में। और ये देखिए मैंने हार्ड ड्राइव में इसको जोड़ रहा हूँ, हार्ड ड्राइव में जोड़ा इसको, इतना लगना नहीं, ऐसे पट करके ही लगाना पड़ता है इसको। इसको खड़ा कर दिया मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ खड़ा करके ला रखा हूँ। बाकी जो है ये उसमें बहुत कम जगह होती है जिसमें कि सेटल होता है, तो इसमें जगह कम होने के कारण ये देखिए मैंने एक साटा लगाया और ये लगा दिया दूसरा साटा। ये दूसरा दोनों साटा हमारा लग चुका है। ये है हार्ड ड्राइव जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं, जिसमें रिकॉर्ड होता है सब। तो इसको लगा करके छोड़ दिया मैंने। ये देखिए हार्ड ड्राइव बन गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर से ढक्कन लगा देना है इसका कवर, और ये कवर को मैंने लगा दिया। ये DVR हो चुका है अब तैयार। अब इसमें लगा देना है सिर्फ पेच, इसमें पेच लगा देंगे